हाई एवरी वन एंड वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। इसकी किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, किस तरीके से इसे गमले में लगाना चाहिए, क्या क्या इसके लिए हमें प्रिकॉशंस ध्यान रखनी चाहिए, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। तो ये एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है और एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है, और इसे घर के अंदर लगाने से काफ़ी जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और साथ साथ जिन्हें सांस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है, उन्हें ज़रूर इस प्लांट को अपने घर में लगाना चाहिए। इसे आप जब भी दें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए इसकी पत्तियों में, और इसका जो मिट्टी है इसमें भी आप 2 महीने के गैप पर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बार बार रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और क्या इसके लिए सॉइल मिक्स होता है। ये एक मॉइस्चर को पसंद करने वाला प्लांट है, यानी नमी पसंद करता है, लेकिन ओवर वाटरिंग इसे पसंद नहीं है। तो उसके लिए भी मैं आपको प्रिकॉशंस बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो प्लांट है काफ़ी सारी वेराइटीज़ में आता है। मेरे पास इसकी 2 वेराइटी हैं, एक तो ये वाली है जिसमें जो पत्ती है बीच में वाइट कलर है, साइड में इसके ग्रीन कलर है। दूसरी वेराइटी में ग्रीन कलर बीच में है और वाइट कलर साइड में है। तो मेरे पास इसकी 2 वेराइटी हैं और ये दूसरी वेराइटी मैंने अभी खरीदी थी। इस प्लांट को लगाने के लिए मैं ये सिरामिक पॉट इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये मेरे पास पुराना पॉट था तो इसकी डेप्थ आप देख सकते हैं, ये इतना गहरा है और ये इसका डायमीटर कुछ 8 इंचेस का है। इसके सॉइल मिक्स में मैंने जो हमारे यहाँ की मिट्टी है उसके साथ साथ मैंने खाद को मिक्स किया है। इसमें मैं गोबर की खाद इस्तेमाल कर रही हूँ, जो पुराने उपले की खाद मैंने ली थी तो वही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। मिट्टी जो है ये मैं छान करके इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें देख रहे हैं कोई भी गुठली वगैरह कुछ भी नहीं बन रहे हैं, और जब हम इस मिट्टी को ऐसे लेकर दबाते हैं तो इसका हल्का सा लड्डू बन रहा है। तो ये जो सॉइल होती है इस तरह की, ये हमारे प्लांट्स के लिए परफेक्ट होती है, अच्छे से एक वेल ड्रेन सॉइल बनती है। इसमें मैंने मिट्टी के साथ साथ जो जितनी मिट्टी ली है उसके आधे से भी कम मैंने गोबर की खाद इस्तेमाल की है, और उसके भी आधे हिस्से का मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें परलाइट। तो परलाइट बेसिकली क्या करता है, ये कोई खाद नहीं होती है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है। इसका काम होता है कि ये एक वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए हमारे प्लांट्स में इस्तेमाल की जाती है। इससे जो प्लांट्स की ड्रेनेज कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है, पानी है वो रुकता नहीं है, और उससे जो प्लांट की जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। साथ साथ इसमें एरेशन अच्छे से होता है प्लांट की रूट में, और ये रूट रोटिंग से भी प्लांट को बचाता है। ये वैसे आपको किसी नर्सरी शॉप पे नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो है इससे भी बारीक दाना आता है, लेकिन मेरे पास ये वाला दाना है सो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार हो जाता है, और हम इसको अच्छे से मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। और ये इंडोर प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है परलाइट। अगर आपके पास इंडोर प्लांट है, सकुलेंट प्लांट है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो हम इंडोर प्लांट में सीमेंट का गमला या मिट्टी का गमला इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर हम प्लास्टिक पॉट इस्तेमाल करते हैं या फिर हम सिरामिक पॉट इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा समय तक पानी जो है सूख नहीं पाता है, और ये जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ज़्यादा समय तक पानी गमले के अंदर रुका नहीं रहता है, और ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम से हमारा प्लांट बच जाता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने प्लांट्स में। ज़्यादा नहीं करना होता, परलाइट को हम 10 से 15% लेते हैं टोटल सॉइल मिक्स का, इसे हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाता है। इसे आप कोकोपीट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपके पास जितनी चीज़ें हैं आप वो इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। तो अभी हम इसको गमले में भर लेते हैं। तो गमले को मैंने यहाँ तक फिल कर लिया है मिट्टी से, और बाकी जो है मैं पहले इसमें प्लांट को लगाऊंगी,
और उसके बाद मैं इसमें बाकी की जो बची हुई मिट्टी है वो डालूंगी। ये जो है गमला, ये मैंने 60 रुपये में खरीदा है। ये स्पाइडर प्लांट की दूसरी वैरायटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बीच में वाइट कलर है और साइड में इसके ग्रीन कलर है। मेरे पास इसकी जो दूसरी वाली वैरायटी है उसमें बीच में ग्रीन कलर है और साइड में वाइट कलर है, तो ये मुझे फाइनली मिल गया और काफ़ी दिनों से मैं इसकी तलाश में थी। तो इसको लगाने से पहले मैं इसकी जो पत्तियां पीली हो रखी हैं इनको मैं पहले हटा देती हूँ और फिर हम इसको लगाएंगे। तो सभी सूखी हुई पत्तियां मैंने इस प्लांट से ऑलमोस्ट हटा दी हैं। इसके जो एंड पार्ट हैं, जो इसके टिप हैं, वो थोड़े सूखे हुए हैं, इन्हें हम रीपोटिंग के बाद काट देंगे। सो अभी हमें इसको सबसे पहले इस प्लास्टिक के इस बैग में से और निकालना है। हम इसे नीचे से कट करके भी निकाल सकते हैं और साइड में से कट करके भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट आप इसकी देख सकते हैं कहाँ तक गई हुई है। तो ये देखिए स्पाइडर प्लांट की रूट्स कुछ इस तरीके से फैली हुई होती हैं और ऐसी होती हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स फैली हुई हैं। तो ये जो है सकुलेंट प्लांट्स की तरीके से होती हैं इसकी रूट्स। जब हम इनको तोड़ते हैं तो इनमें वाटर प्रेजेंट होता है और लकड़ी की मात्रा इसमें काफ़ी कम होती है इन रूट्स में, और ज़्यादातर पानी भरा होता है। सो इसमें जो मिट्टी है वो थोड़ी सी अलग है, जो मैंने मिट्टी अपने गमले में बनाई है वो थोड़ी सी अलग है। इस प्लांट की मिट्टी को हम इस तरीके से लूज करके और जो इसमें रूट बाउंड हो रखा है, जो इसकी एक्स्ट्रा रूट है इतनी ज़्यादा फैली हुई है, तो इनको हम कट कर देते हैं। इतनी ज़्यादा जो है रूट्स का हमें गमले में लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फिर हमें जल्दी ही इसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो गमले के साइज़ के हिसाब से मैं इसको जो है इन एक्स्ट्रा रूट्स को कट करके और तब अपने गमले में लगाऊंगी। इससे मुझे इसकी बार बार और बहुत जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी रूट्स को लूज़ कर लिया है और अभी हम इसको कट कर देंगे। इसे कट करते टाइम आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी कि कहीं मेरा प्लांट ख़राब ना हो जाए। मेरे पास जो पहले के स्पाइडर प्लांट मैंने लगा रखे हैं उनकी रूट्स को भी मैंने इसी तरीके से कट करके लगाया था। जो मेन रूट होती है, जो यहाँ की इसके पास वाली, वो आपको कट नहीं करनी है। नीचे ये जितनी ज़्यादा फैलती रहती हैं उतना आप इन्हें कट करके और तब अपने गमले में लगाइए। तो यहाँ तक मैंने इसकी रूट्स को कट कर दिया है और साथ ही साथ इसकी जो नीचे की मिट्टी है इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे और ढीला कर लेंगे, ताकि इसे जो है गमले की मिट्टी के साथ एडजस्ट होने में ज़्यादा समय ना लगे, यानी कि जल्दी से ये सेट हो जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे हमने इसको रख लेना है और बाकी जो है हमें इसे मिट्टी से पूरा फिल कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा रूट निकली होती हैं किसी भी प्लांट में हम देखते हैं, तो उन्हें हमें कट करके और हटा देना चाहिए। इससे हम बार बार गमले में रिपोर्टिंग से बच जाते हैं। सो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये पॉट अब तैयार हो गया है। मिट्टी को हर साइड आपको इक्वली फैला देना है हाथों से और इस तरीके से हमें गमले में इतना स्पेस जरूर छोड़ना है कि जब भी हम इसमें वॉटरिंग करें तो पानी यहाँ तक थोड़ी देर के लिए ठहर सके और धीरे धीरे जो मिट्टी है वो पानी को एब्जॉर्ब करे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, मिट्टी को यहाँ तक नहीं भरना है। कम से कम आपको 2 टिप का इसके पास जो है स्पेस छोड़ना चाहिए। तो मैंने करीब 1.5 इंच का जो है जगह छोड़ दी है, यानी कि 1.5 इंच नीचे जगह है वहाँ पे जो मिट्टी की लेयर है आउटर। तो इस तरीके से हमारे पास ये तैयार हो गया है और अभी हम इसमें वॉटरिंग कर देंगे। तो देखिए ये अभी तैयार है और अभी इसको वॉटरिंग करते हैं। सो अभी हमने इसमें वॉटरिंग कर दी है, धीरे धीरे जो मिट्टी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है।
और इस तरीके से हमारे पास एक नया प्लांट, एक नया गमला तैयार हो गया है। और ये इंडोर प्लांट है और सेमी शेडेड एरिया को पसंद करता है, तो आप इसे किसी बरामदे में या फिर किसी पेड़ की छाया के नीचे भी रख सकते हैं। ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और साथ साथ ये प्लांट लगता भी काफ़ी सुंदर है, जैसा कि आप इसकी पत्तियों से देख रहे हैं। इसकी पत्तियों की ये खासियत होती है कि ये चारों तरफ फैल जाती हैं गमले के, और ये बहुत ही अच्छे एयर प्योरीफायर का भी काम करती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।